सिर्फ एक काम करवा दो, पूरे देश में एक काम करवा दो, सारी मस्जिदों की तलाशी करवा दो, और मस्जिदों की नहीं मैं कहता हूं मंदिरों की भी करवा दो। अच्छा है एक बार दुनिया के सामने आ जाने दो, मंदिरों की पहले कर दो। चलो मंदिरों में मिलेंगी ढोलके, ढोल मंजीरे, घुंगरू, नाचने गाने के साधन मिलेंगे। करौली राजस्थान से खबर आती, वहां पे अप्रिय घटना घटती है, वहां पे मस्जिद से पथराव होता है, जो लोग रैली निकाल रहे थे उनकी शोभा यात्रा के ऊपर, तो सारे दृश्य हमने देखे। धीरे धीरे कुछ वीडियो इस तरह के सामने आए, जो गाड़ियां रैली में जा रही थी उन गाड़ियों को जला दिया गया, भगवा ध्वज नालियों में पड़े हुए मिले हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जो भगवा ध्वज लेके लोग जा रहे थे उन्हीं के डंडे उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल किए गए। करौली में हुआ, वो पहली ऐसी घटना नहीं है। अगर हम डेटा निकाल के देखें, आंकड़े निकाल के देखें, तो भारत के विभिन्न विभिन्न शहरों में, राज्यों में, जिलों में ये होता आया है। हमारे त्योहारों पे, चाहे वो जन्माष्टमी की झांकी हो, गणेश चतुर्थी की यात्रा हो, हमारे नववर्ष की यात्रा हो, या कोई भी इस तरह की शोभा यात्रा निकलती है। कानपुर का केस हम सबको याद होगा, कानपुर में भी ये हुआ था कुछ समय पहले, और जगह जगह ये होता है। तो क्या हम सारा दोष अपने समाज का ही मान लें कि यार अपने समाज को घर में बैठना चाहिए, यात्रा निकालनी नहीं चाहिए, यात्रा निकलेगी तो पथराव होगा तय है। तो वो पत्थर उसी वक्त तो लोग इकट्ठे नहीं कर रहे, ना सड़क से उठा के लेके आ रहे हैं, और इतने पत्थर होते हैं कि पूरी सड़क भर जाती है। तो ये छतों पे पत्थर स्टॉक किए जाते हैं, पूरे साल ये छतों पे पत्थर भरे हुए रहते हैं। ये एक चीज समझनी होगी, इसको हमें स्वीकार करना होगा। अब वो कौन सी छतें हैं, मैं दीपक भाई के पास आऊं उससे पहले आज के लाइव में अपने मन से, अपनी तरफ से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा हमारे देश की सरकारों से। अगर हमारी बात किसी राज्य सरकार या किसी केंद्र सरकार तक गलती से पहुंच जाए तो मैं ये कहता हूं, सिर्फ एक काम करवा दो, पूरे देश में एक काम करवा दो, सारी मस्जिदों की तलाशी करवा दो, और मस्जिदों की नहीं मैं कहता हूं मंदिरों की भी करवा दो। अच्छा है एक बार दुनिया के सामने आ जाने दो, इस देश में बस एक काम करवा दो, सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सबकी तलाशी करवा दो, सब कुछ दुनिया के सामने आ जाएगा। हमें फिर यहां के अपना गला नहीं दुखाना पड़ेगा, हमें रात को 10 बजे भौंकना नहीं पड़ेगा। इतना सा काम, अगर मेरी बात कोई सुन ले, पूरे देश के सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे मदरसे, पूरी तलाशियां करवा दो, तहखाने कहां पे हैं, छतों में किस किस जगह किसके सामान है, सब कुछ दुनिया के सामने आ जाएगा। और मंदिरों की पहले कर लो। चलो कोई ये ना सोचे, कोई ये ना कहे कि ये साइबर सिपाही वाले शुभम मंगला आकर के हिंदू मुस्लिम करते हैं, दंगे भड़काते हैं, नफरत फैलाते हैं। मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तलाशी का अभियान दोनों जगह चलाओ, दोनों के पूजा स्थलों पे चलाओ, मंदिरों में भी चला लो, मस्जिदों में भी। मंदिरों में मिलेंगी ढोलके, ढोल मंजीरे, घुंगरू, नाचने गाने के साधन मिलेंगे, वहां क्या मिलेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। दीपक भैया,